देखिए, डर लग रहा था, मुझे लगता है रोमांचक अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि जीत गए। अगर रोमांचक होकर हार जाते, जो कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 176 रन बहुत थे और मैं कपिल पाजी के साथ अब शो कर रहे थे, तो मैंने 172 कहा था। 176 मतलब 30 पे 3 होने के बाद आप 176 पे पहुंचे, और साउथ अफ्रीका की बैटिंग पहले जैसी नहीं रही, ये तो मानता हूं मैं, और हमने ही उनको आईपीएल में तैयार करके भेजा है। पर उनकी भी दाद दूंगा मैं कि उन्होंने जिस जज्बे से रन चेस किया, और जल्दी विकेट खोने के बाद, और डीकॉक भी रन नहीं बना रहे थे, उन्होंने भी विराट कोहली जैसे फाइनल में, बड़े प्लेयर हैं ना, तो बड़े बड़े ओकेजन में प्रेशर ज्यादा अच्छा शो करते हैं। पर क्लासन की क्लास अलग है, मुझे लगता है बड़े दिनों बाद उनको एक प्लेयर मिला। डेविड मिलर ने झलक दिखाई थी, पर वो कुछ वो उस झलक पे खरे नहीं उतरे, पर क्लासन ने जिस तरह से अभी अपनी क्लास दिखाई है, और मैच निकल गया था, 25 बॉलों पे 25 रन थे, और सिर्फ साउथ अफ्रीका ही हार सकती है ऐसे, तो हमने हार के जबड़ों में से जीत चुरा ली, उन्होंने जीत के जबड़े में से हार चुराई। तो ये बॉलिंग का मैं बोलूंगा कि इंडियन टीम का टेम्परमेंट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, रोहित शर्मा की कप्तानी, जस्ट कीप एवरीबडी काम, यू नो, और उस प्रेशर पॉइंट पे जो कैच पकड़ा गया, तो ये बताता है कि हमारी टीम मैच्योर हो चुकी है। तो बिल्कुल किया, सब देख रहे हैं उसको, और 15वां ओवर कहीं ना कहीं उसकी जो बातें अगर हो रही, देखिए, तो क्योंकि वो कैच पकड़ा गया, अगर पकड़ा नहीं भी जाता उसके बाद भी हम जीत सकते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक ही बल्लेबाज बचा था, तो उसको स्ट्राइक लेनी है, करना है, बड़ी, चलिए क्रिकेट में होता है, ऐसा होता तो ऐसा होता, पर वो कैच पकड़ा, तो ये बातें याद रहती है मुझे लगता है। और बुमराह का जो ओवर रहा, और अंत में हार्दिक पांड्या ने जो ओवर डाला, क्योंकि हमने कभी प्लान नहीं किया था कि हार्दिक 20th ओवर डालेगा, पर सिचुएशन कई बार ऐसे बन जाती है, अगर बुमराह को उस समय नहीं लाते, कोई और बॉलर आता तो रन खा जाता, तो लास्ट ओवर में रन नहीं बचते हमारे पास, तो बुमराह ने वो कंफर्ट लेवल बना के दिया हार्दिक पांड्या को, और फिर मतलब आज हमने जीत रहे था, मुझे लगता है 13 साल हो गए हमारी टीम हर फॉर्मेट में डोमिनेट कर रही है, पर कब तक बकरे की बात खैर बनाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे थे, फिर अहमदाबाद में तो हमारी टीम बेटर थी, कुछ जिस तरह से खेल रहे थे, पर वन बैड डे, और T20 में तो आपका पता लगता नहीं, कोई बड़ी टीम भी हार सकती है, क्योंकि 3-4 ओवर मैच चेंज हो जाता है, तो उसमें सब कुछ अच्छा हो, पर आप प्रे करें कि आपका दिन हो। देखिए, परफॉर्मेंस टीम स्पोर्ट है, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, टेनिस जैसे, आपके बड़े सितारे हैं, आपको लगता है बार बार उनकी बात होती है, विराट की बात होती है, रोहित की बात होती है, पर पूरी टीम की सपोर्ट है। अक्षर पटेल का किसी ने नाम नहीं लिया था, देखिए वर्ल्ड कप में जाके जडेजा इतने बड़े स्टार हैं, और बिल्कुल उनको ओवरशैडो कर दिया उन्होंने, और बॉलिंग से रन खाए कल, पर बैटिंग से कमाल कर दिया, और दाद दूंगा राहुल द्रविड़ की, टीम मैनेजमेंट की, कि ये ब्रेव डिसीजन लिया, क्योंकि अगर ये उल्टा पड़ जाता तो फिर बाकी बातें सुननी पड़ती बहुत ज्यादा। तो ये थोड़ी कई बार इंडिया में क्या होता है कि आप कहते हैं कि चलिए मैं पंगा ना लूं, पर यह इस टीम में ये अब जो जो मेंटेलिटी है वो है कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं और फिर आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, पर हारेंगे हम एक बीच में, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि इतनी वो सोशल मीडिया आ गया, अब तो इतनी गालियां पड़ती हैं, सोशल नहीं शोषण मीडिया है, तो शोषण इतना है ज्यादा, तो कई बार आप वो कहते हैं कि चलिए अवॉर्ड करें, पर अच्छा किया कि किया। सर संन्यास अगर दो स्टार क्रिकेटर ऐलान करते हैं T20 से तो क्या? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि बड़ी बात चल रही थी, और क्या प्रूव करेंगे और खेल के, अब ये आपने हासिल कर लिया, इसके बाद तो डाउन ही है ना, अगला वर्ल्ड कप में तब हमें नई टीम बनानी है, आपने कोई प्रूव करना रह नहीं गया, और यू बीन देयर डन इट गॉट द टी शर्ट, और समझदारी है, मुझे लगता है तो पहले अनाउंस कर देना चाहिए था कि इस वर्ल्ड कप के बाद, अब वैसे भी विराट कोहली 3 मैच खेले 2 साल में, तो बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है, तो वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप से निकाल के लेके आएंगे, तो फिर हमारी टीम कैसे बनेगी? What can you say? I mean, we are happy. We are still celebrating. I've not slept last night. So a lot of people are just talking, calling me from all over the world. And too long a wait. 13 years for this team who is doing so well, dominating in all the formats. Just that one bad day in Ahmedabad cost us WTC. We lost World Test Championship. But we are there, always there. Aisa nahi ki bilkul erratic performances hai Pakistan ki hoti. I think full compliments to the team management. I will not just name one or two players. It is a team management. Rahul Dravid's bold decision to put Akshar Patel. Akshar Patel having a bad day with the ball, but he's overshadowed Jadeja. Two of them playing together, Dubey and Hardik playing together. This is a new kind of a template we are doing. I never thought, but when people ask, why are you taking 4 spinners to Rohit? He says, just give me time, I'll show you. So this is the kind of maturity and balance and the control captain needs. And I think Indian cricket is so mature now that they're giving it that. On the reaction on the retirement of 2 star cricketers? I think it's always sad when a big star goes, you know, whenever you want them to keep on playing, but eventually time comes that you know, it's like sand in your fist, it keeps on going, and in spite of all the fitness things,
यू हैव टू मूव ऑन एंड T20 इज अ स्पोर्ट वेयर यू नीड स्पेशलिस्ट एंड यू नो व्हेन यू आर टेस्ट प्लेयर्स यू वन डे प्लेयर्स यू हैव डन वेल यू आर स्टिल द बेस्ट बट इट इज नॉट गोइंग टू सर्व अ पर्पस एंड इट बी सैड टू सी बोथ ग्रेट प्लेयर्स रोहित एंड विराट बट वी हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ pool of fantastic talent and I think they have to get their chance also and because we have to win the next World Cup also. So well done Virat, well done Rohit, hats off to you and now you've got the cherry on the cake and you can just chill and relax and you can say that okay we've got this trophy in the cupboard because it's a big feeling. You don't realize that for a player you might have got thousands of runs and your body of work is huge. But this, human nature is such that people always remember this. You know, if somebody is a great actor, if you don't win an Oscar, you are not rated.